नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई आपकी जो राजस्थान पुलिस की जो फाइनल जो आंसर की है वो आ गई है। तो आंसर की जो है वो मैंने टेलीग्राम पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें आपको सुबह ही डाल दी थी 9:30 बजे के समथिंग आपको जो टेलीग्राम पे आपके आंसर की डाल दी गई थी। तो सभी ने अपनी अपनी आंसर की मिला ली होंगी। वैसे सबके एक दिक्कत ये आ रही है कि जैसे आंसर की जो है ये उस हिसाब से डाली गई है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था तो उसकी डाली गई है सेकंड शिफ्ट का। फिर इसमें अपनी दिक्कत ये आ रही है कि आपकी ओ मार्कशीट, जैसे पहले तो आपके जो सो रिटर्न होता था उसमें ओ मार्कशीट देते थे तो आप मिला लेते थे कि इसमें ये क्वेश्चन राइट है तो मेरा कौन सा राइट है। लेकिन अब की बार जो है अगर आपके याद है क्वेश्चन तो ये आप मिला पाए होंगे और मिला लिए होंगे, और कोई साथी जिसने अभी तक नहीं मिलाई वो भी मिला लेना। बाकी आपका जो कंक्लूजन क्या निकला है लास्ट में, जैसे पहले तो हम ये सोच रहे थे कि भाई हम अपने विवेक से ये चीज मिला के देख रहे थे कि भाई ये क्वेश्चन सही, ऑफिशियल की में आपको ये देखना है कि क्या माना गया है, यानी क्या क्वेश्चन जो हम सही मान के बैठे थे वो गलत मान लिया है, गलत मान के बैठे वो सही भी हो गया हो, या फिर कई जगह हमने एक दो क्वेश्चन जो हमने ऐसे किए थे कि भाई हमने तुक्के मारे हो वो क्वेश्चन भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन एक दिक्कत आ रही है इसमें कई साथियों के कि भाई जो चीजें याद है उसी चीज को हम मिला पा रहे हैं, लेकिन अपना थोड़ा एक विवेक से ये चीज चेक करना कि भाई हाँ मैंने ये क्वेश्चन ही किया था और ये क्वेश्चन मेरा राइट है। बाकी जिनके भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा हो तो वो भाई जो है आपत्ति जरूर लगाना। 50 रुपए की एक दिक्कत, शायद 50 रुपए में लगती है एक में एक क्वेश्चन पे, तो आप अपनी आपत्ति भी जरूर लगाना इस पे। और जो भी ऑथेंटिक चीज का ही प्रूफ लगाना नीचे कि हाँ ये चीज सही है और ये जो है आंसर की में गलत मानी गई है। बाकी जिसके भी जितने भी नंबर बन रहे हैं भाई, अब फाइनल यही आ गया है 10-15 दिन में जैसी आपकी कट ऑफ आएगी। जैसे अभी जो है आपके फाइनल नंबर कितने बन रहे हैं अभी, तो जैसे पहले किसी ने कितने बताए 115, कई कमेंट 115 भी थे, तो 115 वाला भाई आज ऑफिशियल की आ गई है। वो गुम मत हो जाना, कहीं भाग मत जाना, वो भी कमेंट करना कि उसके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। बाकी आप चेक करके जैसे भी आपने आज सुबह से चेक कर ली होगी, क्योंकि आज आंसर किया है तो सुबह से कहीं अपने इसमें लग रहे होंगे कि भाई मैं मेरी आंसर की मिला हूँ या फलाने ने कितने किए दिख रहे कितने क्वेश्चन सही हुए, इसी चीज में लगे रहे होंगे। मैंने सुबह ही आपको कह दिया था कि हम इसके बारे में शाम को डिस्कस करेंगे। तो अभी जो मैं आपसे ये कहूंगी कि कमेंट में अपने सारे नंबर जो है वो मेरे को बताना, ताकि मेरे को ये पता चले कि पहले इसने इतने बताए थे और अभी इतने बता रहे, क्योंकि ये आपका कंक्लूजन है। ये आप ये मत समझना कि वहां पर अगर मैं बताऊं या पहले मैंने इतने बताए तो मेरी बेइज्जती हो रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यही है कि आप आपस में बार बार तालाब करते रहते हो कमेंट्स में कि भाई तेरे इतने बने, ये ऐसे है वो ऐसे है, कोई बात नहीं है जैसे भी आप करते हो, लेकिन अभी लास्ट में आप अपना एक बार डाल देना कि भाई मेरे नंबर इतने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं। बाकी आपत्ति अपने जरूर लगाना भाई, क्योंकि ये आपत्ति लगाना ये आपका खुद का अधिकार है कि अगर आप ये सोचते हो कि ये चीज सही है, क्योंकि उसमें रिट लगाने में कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो कि इसी क्वेश्चन के ऊपर तो औरों ने भी आपत्ति लगाई होगी तो मैं इस पे नहीं लगाऊं। नहीं, आप अपने पे लगा दो, औरों और भाड़ में जाए तुम्हें लगाए कि नहीं लगाए, लेकिन अगर तुम्हें डाउट है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन, क्योंकि हर चीज आपको पता है हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए, हर मानी माइनस मार्क्स जो आपने जो गलत कर दिया वो सही हो गया, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक क्वेश्चन भी, एकदम समझ लो। अगर आपको लगता है कि मेरा सही है तो उसमें आपत्ति जरूर लगाना। बाकी जो ऑफिशियल की आई है उसमें आप अपना जो पूरा कंक्लूजन आपने निकाल लिया होगा, मेरे इतने सही हैं, मेरे इतने राइट हैं। कईयों के तो सारा पेपर ही दिमाग में छप रहा था, जैसे एक ने कमेंट में भी सारा पेपर लिखा था, तो अगर उसके पेपर ही दिमाग में छप रहा तो उसके आंसर भी ये ध्यान में होंगे जरूर कि मैंने ये आंसर किया था। तो एक बार जो है जैसे अभी इसका लास्ट ही दौर चल रहा है भाई राजस्थान पुलिस की भर्ती का, जैसे अभी आंसर की आगे फिर कट ऑफ, फिर इसके जो है फाइनल चीजें आने लग जाएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, ये सारी चीजें होने लग जाएंगी। तो अभी जो है आप लास्ट बार जो से अभी कट ऑफ आएगी उसके बाद तो हमें पता चल ही जाएगा कैसे कितना क्या रहा है, लेकिन अभी अगर आप अपने मार्क्स टेलीग्राम पे कमेंट करते हो तो कमेंट कर दोगे तो ये चीज तो रहेगी कि भाई हो कितना रहा है बच्चों का, यानी कि हमारे जो साथी हैं हमारे जो बहनें कितने तक स्तर तक पहुंच रही हैं, यानी कि क्या पता उनका लेवल, जैसे कई मैं ये नहीं कह रही कितने ही हो, जैसे कईयों का कोई 80 से ऊपर ही नहीं बढ़ रहा हो, या फिर
हम ये मान के चल रहे हो कि पेपर हार्ड आया है तो कट ऑफ जो वैसे भी नीचे ही रहेगी, लेकिन बात ये रहती है कि नंबर मेरे कितने बन रहे हैं, उसी हिसाब से जैसे आपके अभी नंबर बन रहे हैं उसी हिसाब से ही कट ऑफ निकलेगी कि बच्चों के कितने तक नंबर आ रहे हैं, वैकेंसी भर रही है जिले वाइज, उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ आएगी। तो आपके कमेंट में भाई सारे जो नंबर हैं वो बता देना, हमें भी पता चले कितने आए, उसके बाद में हम एक बार और आपसे वार्तालाप करेंगे कि कितना क्या रह सकता है, ठीक है। तो अभी जो कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सुबह से पेपर मिलाने में लग रहे हो, आंसर की मिलाने में लग रहे हो, तभी कमेंट करना स्टार्ट करो। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करो। क्लास अच्छी लगे तो भाई शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। धन्यवाद।